जो काम नहीं कर रहा वो कम मरेगा, ये बताओ उसे पार्टी से निकाल के कितनी बार फेंकते हो आप लोग? जो काम करता है उसे लेते क्यों नहीं हो? जो युवा काम करता है उसको लेते क्यों नहीं हो आप? बात कर रहा हूँ, जब हम शून्य से दस पे आ सकते हैं तो दस से सौ पे क्यों नहीं जा सकते सर? ये हमारा मनोबल है। दस बरकरार रख लोगे, सौ आएंगे सर, और नहीं आए तो क्या करोगे आप? मिल लीजिएगा मुझसे आप। अपना सारे पदाधिकारी मुंह काला करा के गधे पे बैठ के खुद ही माला पहन के घूम लोगे फिर? आपकी भी ये नहीं चलेगी, हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। अरे यूं कहो ना, हम ही सरकार बनाएंगे। तुम्हें कोई पूछता है नहीं तो तुम्हारे बिना तो सरकार बनी। दलित मुसलमान कॉम्बिनेशन में इतनी ताकत है, दस के आगे एक शून्य और लगा देंगे। अगर आप डबल के भी आंकड़े में आ जाओ ना, जहां कहोगे वहां दिल्ली प्रदेश को दोबारा पार्टी देने का चैलेंज दे रहा हूं मैं। आप हमारी थूथ पिटवाने का काम क्यों कर रहे हैं? आप काजू बादाम खाने का काम करते हैं, मीट मुर्गा खाने का काम करते हैं, दूध छाछ लस्सी पीने का काम करते हैं। आप पसीना बहा करके बहुजन समाज को आगे क्यों नहीं बढ़ाते? बहुजन समाज पार्टी को आगे क्यों नहीं बढ़ाते? 30% वोट आया पर जीते तो नहीं ना? जीत के दिखाओ ना, जीत होगी तभी आगे बढ़ेगा। 30% का वोट अभी है, 30% से आप जीत नहीं रहे हैं। आप जीत दिखाओ ना, वोट कितना भी बढ़ रहे तो क्या है इसमें? जीत बसपा मांगती है, बहन जी के जन्मदिन पे मांगती है, काशीराम साहब के जन्मदिन पे मांगती है, उनके बंधन दिवस पे मांगती है। आपका और मेरा परिवार नहीं चल सकता तो बहुजन मीडिया कैसे चलेगी? जब आप आरोप लगा रहे हैं तो बहुजन मीडिया को कितने लाख रुपए आपने दिए, आपके पदाधिकारियों ने दिए, आपके नेताओं ने दिए या बहन जी ने दिए? तो ये लोग तुम्हें क्यों देंगे पार्टी चलाने के लिए पैसा? हमें कोई पैसा क्या? इनके बाल बच्चे नहीं है, इनका घर नहीं है, इनका तेल नहीं फूकता, इनकी मेहनत नहीं लगती? ये बेचारे एक टांग पे खड़े रहते हैं पूरा पूरा दिन तुम्हारे नेताओं के लिए। मैं अगर BSP की MP की सीट या यूपी के अंदर अकेले लड़ने से अगर 2 से ज्यादा 3 आ गई ना, तो हर नेता को मैं 50,000 रुपए दूंगा। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम मैं हूँ। आज तुगलकाबाद के महासचिव हैं, जिला महासचिव हैं गोविंद जी से मैं बात करना चाहूँगा। BSP में आप पद अधिकारी हैं और BSP का 2024 का इलेक्शन भी आ रहा है, क्या लगता है कि BSP कहाँ तक पहुँचेगी? सबसे पहले आपके सभी सम्मानित दर्शकों को जय भीम। जय भीम। मैं बसपा का छोटा सा कार्यकर्ता गोविंद सिंह। जैसा आपने सवाल किया कि 2024 में BSP कहाँ नजर आ रही है, मैं साक्षात साफ साफ देख पा रहा हूँ कि बिना BSP के केंद्र में सरकार नहीं बनने जा रही है। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। कैसे? आप देखिए, तमाम जो मनुवादी गठबंधन है, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे सपा जैसी छोटी मोटी पार्टियों के हो, इन सब का अब काम नहीं चल रहा है। इन्होंने पहले क्या किया, इंडिया अलायंस बनाया, उसमें सबसे ज्यादा अछूत किसे समझा गया? दलित और मुसलमान को सबसे अछूत समझा गया। दलित और मुस्लिम कोई भी वहां पर रिप्रेजेंटेशन नहीं था इंडिया अलायंस में, कोई नहीं था। उस चीज को पिछले कई सालों से परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ध्यान में रखा कि सबसे ज्यादा उपेक्षित वर्ग कौन सा है, दलित और मुस्लिम। इन्हीं का गठजोड़ आजमगढ़ उपचुनाव से बहन जी ने जो बनाना शुरू किया, वो अब जमीन पर धरातल पर नजर आना शुरू हो गया है। दलित और मुसलमान एक साथ आ गए हैं और इससे बड़ा कोई कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता। और इसी कॉम्बिनेशन की बदौलत बहुजन समाज पार्टी एक तरफा सरकार में आएगी, केंद्र की सरकार में। ये मेरा दावा भी है, ये मेरा वादा भी है। और सर्व समाज की जो समता के समर्थक बहुजन है, वो केवल और केवल हाथी पर ही वोट देते हैं। कितनी सीटें आ रही हैं तुम्हारी, बस ये बता दो सीट कितनी? वर्तमान में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी अभी हम हैं कि नहीं है? जब हम वर्तमान में केंद्र में जो भाजपा की सरकार चल रही है, उसके अलावा बताएं 10 लोकसभा के सांसद किसके पास है? केवल बसपा के पास है। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हम अभी वर्तमान में है, तो अगले आने वाले समय में क्या होगा इस तो कोई नहीं जानता। वो जो 10 सांसद की आप दुहाइयां दे रहे हैं, वो फरवरी में खत्म हो जाएगा उनका कार्यकाल, फिर जितने आएंगे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो बीत गया उसे तो छोड़ो। बहन जी 4 बार चीफ मिनिस्टर रही थी, पर अब बहन जी को कोई वोट नहीं दे रहा है। आप लोगों की वजह से, आप लोगों की जो आप पदाधिकारी हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं इसीलिए वोट नहीं मिल रहा है। और आप कह रहे हो कि हम लार्जेस्ट सेकंड पार्टी हैं, सेकंड पार्टी भी नहीं, आप टॉप 10 में भी नहीं आने वाले हो अब आप। जी बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने बताया कि ये जो मनु मीडिया ने आप लोगों के मन में भरा हुआ है, मनु मीडिया ने खास करके, ये सवाल आपके मन का नहीं है। मनु मीडिया कौन है? मनु मीडिया कौन है पहले तो आप जो बसपा को नहीं दिखाते, आप बताएंगे कि बसपा की कार्यशैली क्या है? बसपा लोगों के घरों घरों तक जाती है, घरों के अंदर जाती है, बंद कमरों में कैडर मीटिंग्स करती है, लोगों के
दिलों की बात अपने आप कहती है, सच्ची और सही बात कहती है, वो दिलों तक पहुंचती है, लोग जुड़ रहे हैं। आप मनु मीडिया की बात करते हैं कि मनु मीडिया आपकी बातें को नहीं दिखा रहा, तो आप बहुजन मीडिया को क्यों नहीं खड़ा करते हो? बहुजन मीडिया के तुम्हारे पास है नहीं, सोशल मीडिया भी आपके पास है, आप किसी को पूछते तक नहीं, आप किसी को एक गिलास पानी पिलाने के लिए नहीं बात करते, आपके कैडर होते हैं आप किसी को बुलाते नहीं है, आपकी मीटिंग्स होती है आप बुलाते नहीं है, आपके प्रोग्राम होते हैं आप बुलाते नहीं है, बहन जी का जन्मदिन होता है आप बुलाते नहीं है, काशीराम साहब का जन्मदिन होता है आप बुलाते नहीं है, उनका परिनिर्वाण दिवस होता है आप बुलाते नहीं है, बसपा का कार्यकाल जो चलता है, जो बहन जी मीटिंग्स करती हैं, मीटिंग सिर्फ एक ही चैनल को अपनी बाइट देती हैं और किसी को देती नहीं, तो फिर आप कैसे आगे बढ़ जाओगे और मनु मीडिया को कैसे आप कोस रहे हो? फिर आपका बहुजन मीडिया कहां पर है? मिलेंद्र भाई, आपने देखा होगा जब परम आदरणीय बहन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उससे एक दिन पहले दो दिन पहले ही सार्वजनिक सूचना जारी की जाती है। बहुजन मीडिया को नहीं बुलाया जाता, उस मीडिया को बुलाया जाता है जो आपकी बात को नहीं दिखाता, उसके तलवे चाटने का आप लोग काम करते हैं, पर बहुजन मीडिया को आप लोग नहीं बुलाते, और आपके पदाधिकारी और आपके जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए वो बहुजन मीडिया को कोसते रहते हैं बिना पानी पी पिए के। अब मैं आपकी बात बिल्कुल सहमत हो सकता था, मैं आपकी बात से सहमत हो सकता था, मैं आपको साफ बताता हूँ, बहुजन समाज पार्टी चलती है गरीबों के चंदे से, 10-20-50-5-10 रुपए देख के देने वाले गरीब बहुजनों के चंदे से, हमारे पास इतना करोड़ों रुपए का बजट नहीं होता। जब आपके पास बजट नहीं है, बहन जी अपना जब पर्चा भरती है या कोई भी वो होता है उनकी संपत्ति का वो दिखाया जाता है, तो बहन जी की अपनी संपत्ति तो नहीं है ना, वो भी तो बहुजन समाज के गरीब लोगों की ही संपत्ति है ना, तो उस संपत्ति में से आपने अपना चैनल क्यों नहीं बनाया अभी तक? बहुजन मीडिया को आप कोसते हो, आप दूसरी मीडिया को, मनुवादी मीडिया को कोसते हो, तो आपका चैनल कहाँ है? मिलेंद्र जी, माया युग से लेकर के बहुजन संगठक तक तमाम पत्र पत्रिकाएं और तमाम तरह की मीडिया खड़े करने के प्रयास किए गए, लेकिन धोखा किसने दिया? धोखा किसने दिया? काशीराम साहब ने 10-10 मीडिया बनाई थी, 10 पेपर बनाए थे, मैगजीन बनाए थे, आपने सब खत्म कर दिए, कहाँ गए वो सारे मीडिया और वो पत्रकारिता, कहाँ गई वो सब? तो ये सब तो नैतिकता की बात है, बीएसपी में जो भी काम करेगा, जो बहुजन आंदोलन में काम करेगा, वो निस्वार्थ भाव से, पेबैक सोसाइटी की भावना से, आपको काम करना नहीं आता था, इसीलिए आपने आप मेरी बात को कंप्लीट होने दें, जो सोशल मीडिया आपके लिए हेल्प भी कर रहा है और काम भी कर रहा है, जो पत्रकारिता भी कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, आप उन्हें कुछ भी नहीं समझते, और फेसबुक पे पेट भर के गालियां आप बहुजन मीडिया को दिए रहे। दिल्ली का एक पदाधिकारी बहुजन मीडिया को कोस रहा है कि बहुजन मीडिया की वजह से बीएसपी गर्त में चली गई, आपकी वजह से नहीं गई क्या? आप लोग जाने में लोगों से ये पूछते हैं कि आपके घर पे काजू बादाम मिलेगा नहीं मिलेगा? मैं आपसे साफ पूछता हूँ, बीएसपी आज सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है या गर्त में है? पहली है बीएसपी गर्त में है, कहाँ है सेकंड लार्जेस्ट पार्टी? अभी हम है, आप टॉप 10 में भी नहीं है, अभी हम है, कहाँ है? भारत की तीसरी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है कि नहीं है? अरे सर, तीसरी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है कि नहीं है? हो जाएगी, काम करोगे जिस तो दिन हो जाएगी। जिस दिन 14 अप्रैल 1984 को बसपा का गठन किया गया, वो काशीराम साहब ने किया था, तब से लगातार आप लोग यही कह रहे हैं खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्या आज तक खत्म हुई? जब तक मुझे जैसा एक भी कार्यकर्ता जीवित है, बसपा कभी खत्म नहीं होने वाली, जबकि लगातार बढ़ने वाली पार्टी है। वोट बैंक कितना है? वोट बैंक तो चला गया ना, वोट बैंक 30% अभी है, राजस्थान आप हार गए, 30% अभी है, ये बात आप नहीं बताएंगे? गुड्डू जमाली को आजमगढ़ में 30% का वोट मिला कि मिला बताएं आप? जीते तो आप बताएं, 30% का वोट मिला कि नहीं मिला? आप जीत 30% का वोट अभी है, 30% से आप जीत नहीं रहे हैं, आप जीत दिखा रहे हो, वोट कितना भी बढ़ रहे तो क्या है इसमें? जीत दिखा रहे हैं, दलित मुसलमान करो विचार, दलित मुसलमान करो विचार, समझ में आ रहा है? जमीन पर हर आदमी को समझ में आ रहा है, सब गरीबों की को समझ में नहीं आ रहा है? हम लोग बहुत उत्साहित है, आप उत्साहित है हराने के लिए, उत्साहित है आप जिताते क्यों नहीं है बहन जी को? मुझे जैसे कार्यकर्ता, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले कार्यकर्ता को इतना मान सम्मान अगर मिल रहा है, तो ये मेरी बीएसपी की देन है, बहन जी की देन है। आपको चार आदमी वो बंद कमरे में जो आप मीटिंग करते हो बीएसपी की, उसमें 4 आदमी 10 आदमी होते हैं, आपके में क्यों नहीं हजारों की तादाद में लोग होते हैं? अच्छा मिलेंद्र, क्यों नहीं आप काम कर रहे हैं? मैं सब पदाधिकारियों की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं सब पदाधिकारियों की बात कर रहा हूँ, और बहुजन मीडिया की भी बात नहीं कर रहा। आप हमारी थूत पिटवाने का काम क्यों कर रहे हैं? आप काजू बादाम खाने का काम करते हैं, मीट मुर्गा खाने का काम करते हैं, दूध छाछ लस्सी पीने का काम करते हैं, आप पसीना बहा करके बहुजन समाज को आगे क्यों नहीं बढ़ाते? बहुजन समाज पार्टी को आगे क्यों नहीं बढ़ाते? 30% वोट आया पर जीते तो नहीं ना, जीत के दिखाओ ना, जीत होगी तभी आगे बढ़ेगा। वर्तमान संसद 10 सांसद आपका इसी महीने में सब हट जाएंगे। अच्छा, ठीक है।
डेढ़ दर्जन विधायक है। 2024 में कितने सांसद ला रहे हो? सरकार हमारे बिना नहीं बनेगी, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हम सत्ता में आने जा रहे हैं। कुछ भी नहीं है, एक देश के युवाओं ने और महिलाओं ने सीट नहीं आई, आने लिया एक सीट नहीं आई। अरे माननीय 10 तो अभी है आपकी यूपी में, 10 तो अभी है, तो पहले आई थी 10, अभी है कि नहीं है? बात करो ना, अभी 10 है कि नहीं है? आज की बात कीजिए, अब की बात, आज 10 सांसद है कि नहीं है? है ना? अरे 4 दिन में खत्म हो जाएंगे, जब खत्म हो जाएंगे तब नहीं आ जाएंगे चुनके, मई में फिर चुनके आ जाएंगे। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, मई में कितने सांसद आ रहे हैं आपके? जब हम 0 से 10 तक आ सकते हैं तो उसके आगे एक 0 और लगा सकते हैं। काशीराम साहब और बहनजी का असर था आपका, नहीं है वो? सांसद आना भी असंभव नहीं है, दलित मुसलमान कॉम्बिनेशन में इतनी ताकत है, 10 के आगे एक 0 और लगा देंगे। अगर आप डबल के भी आंकड़े में आ जाओ ना, जहां कहोगे वहां है, दिल्ली प्रदेश को दोबारा पार्टी देने का चैलेंज दे रहा हूं मैं। अगर आप 10 के अगर आप ऐसी नकारात्मकता अब नहीं चलेगी, अब सब सकारात्मक आदमी सकारात्मक बातें कर रहे हैं। आपकी भी ये नहीं चलेगी, हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। अरे यूं कहो ना, हम ही सरकार बनाएंगे। अच्छा, तुम्हें कोई पूछता है नहीं तो तुम्हारे बिना तो सरकार बनी रही है। अभी मलूक नागर जी ने चौधरी चरण सिंह की मांग रखी कि भारत रत्न दिया जाए, बताओ केंद्र सरकार को क्या गरज पड़ी थी? और आपने क्यों नहीं रखी मांग कि काशीराम साहब को भारत रत्न देना चाहिए? अच्छा, महात्मा गांधी को मिला क्या? महात्मा गांधी को भारत रत्न मिला क्या? छोड़ो, आप मिला क्या? करो ना, हमारे माननीय साहब, आप दूसरों की बात करोगे, बात करोगे उनके राम कोई और होंगे, हमारे राम कांशीराम, हमारे कांशीराम साहब को, हमारे कांशीराम महात्मा गांधी से बड़े हैं। जब महात्मा गांधी को भारत रत्न नहीं मिला, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे दिलों में उनका सम्मान है। जिस दिन हम सत्ता में आएंगे, भारत रत्न से भी बड़ा रत्न आपका बारे सम्मान 2024 में, इसी 2024 में बहुजन समाज पार्टी की सत्ता स्थापित होने जा रही है। रोक सको तो रोक लो, जीरो चैलेंज करते हैं, जीरो से, जीरो के बिना तो डबल जीरो, जीरो के बिना तो संघ की शुरुआत नहीं हो सकती। अरे सर, जितने भी इलेक्शन आपने लड़े हैं 5 साल पहले से के बाद के, जो आप सांसद 10 सांसदों की दुहाइयां दे रहे हैं वो भी गठबंधन से बने थे। आप सिंगल लड़के दिखाओ ना, आपने जितने भी सिंगल लड़े अब भी गठबंधन से लड़े, आप जीरो आ रहे हैं, आपको आंकड़े नहीं पता? गठबंधन में जाते हैं एनडीए जैसे लोग। सर, आपको आंकड़े नहीं पता क्या? 48 दल वाले जाते हैं, 38 दल वाले जाते हैं, जो कमजोर होते हैं उनको गठबंधन की जरूरत है। बसपा इतनी सर्वाधिक शक्तिशाली कर लिया, फिर सबसे बहन जी ने गठबंधन कर लिया तो फिर आप क्या करोगे? इसके पीछे तो मनु मीडिया कई सालों से पड़ा है। मनु मीडिया अब तक नहीं किया, अब तक नहीं किया। आप अपनी बात करो ना, हम बहन जी की बात मानेंगे, आपकी बात मानेंगे। बहन जी ने स्पष्ट किया, हमारा गठबंधन किसी के साथ नहीं होगा, हमारा गठबंधन भारत की सर्व समाज की समानता समर्थक जनता के साथ होगा, दलितों और मुसलमानों के साथ होगा। दोबारा 10 सीट ले आओगे? तो अभी है, अब तो 100 की बात करो सर, अभी तो ये अगले महीने खत्म हो जाएंगी, अगले महीने खत्म हो जाएगी। मैं नई की बात कर रहा हूँ, 100 फिर आ जाएंगे। मैं नई की बात कर रहा हूँ, जब हम 0 से 10 पे आ सकते हैं तो 10 से 100 पे क्यों नहीं जा सकते सर? ये हमारा मनोबल है। 10 बरकरार रख लोगे, 100 आएंगे सर, और नहीं आए तो क्या करोगे आप? मिल लीजिएगा मुझसे, अपना सारे पदाधिकारी मुंह काला करा के गधे पे बैठ के खुद ही माला पहन के घूम लोगे। माननीय हमारे जो पदाधिकारी जिनके साथ ऐसा बनवादी लोग करते हैं वो भी राज्यसभा में दहाड़ते हैं। माननीय रामजी गौतम ने अभी जो दहाड़ लगाई है वहाँ 243 में से किसी की हिम्मत नहीं थी बातें रखने की। अकेले हाथी ने जो दहाड़ करके अपनी बातों को रखने का काम किया है वो जन जन तक जाती हैं। रामजी गौतम जी ने दहाड़ लगाई तेलंगाना में, राजस्थान में, हरियाणा में, देखिए ग्वालियर में, यूपी में, बिल्कुल दिल्ली में, बिल्कुल कितनी सीटें आ गई? अब आएंगे? एक भी नहीं आई। मुझ जैसे कार्यकर्ता जब अरे तुम जैसे कलाकार कार्यकर्ता तैयार हो रहे हैं, आप जैसे गरीब कार्यकर्ता युवा तैयार हो रहे हैं, महिलाएं तैयार हो रही है, देते हैं युवाओं और महिलाओं का सीधा आह्वान किया है माननीय आकाश आनंद भाई ने। और आकाश आनंद जी के नेतृत्व में यहाँ पर आपने देखा अभी दिल्ली प्रदेश में कितने बड़े बदलाव। आकाश आनंद जी सबसे मिल रहे हैं, आकाश आनंद जी किससे नहीं मिल रहे? किससे मिल रहे? मिले हैं, मुझसे मिले हैं, मैं खुद गवाह हूँ। हाँ। जब मुझ जैसे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले आदमी से आकाश आनंद भाई गले लग के मिलते हैं तो किससे नहीं मिलते हैं बताएं आप? क्या आपसे नहीं मिले? क्या आपसे नहीं मिले? मिले हैं, आपसे मिले, मुझसे मिले, सबसे मिले हैं। ये बात बोलते क्यों नहीं? एक दिन मिलने से काम नहीं चलेगा ना, बरकरार काम चलना चाहिए, लगातार काम करेगा। 24 घंटे 7 दिन अनवरत रूप से बसपा का काम चालू है, लेकिन हमें दिखाना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा।
उसी के लिए आप साधु, आप साधुवाद के पात्र तब होंगे जब आप निस्वार्थ भाव से पे बैक टू सोसाइटी की भावना से हमारा बहुजन मीडिया की, हमारा बहुजन मीडिया निस्वार्थ काम करता है, आपसे एक रुपया नहीं लेता, एक गिलास पानी नहीं पीता, एक कोल्ड्रिंक नहीं पीता, क्यों कहते ना मुर्गा छाछ दूध पीता कोई भी, क्यों कहते आपके लिए फ्री में काम करता है, पर आप बुलाते नहीं किसी को, आप सूचना नहीं दे रहे किसी को, और फिर आप हमें ही कोसते हो, फिर आप उम्मीद करोगे खुद आप काम नहीं कर रहे हो, दूसरों को कह रहे हो कि तुम काम नहीं करते हो, आप अगर उम्मीद करोगे अन्य मनुवादी पार्टियों की तरह से आपको वहां पर कोई परिश्रमिक दिया जाए, कुछ पैसे दिए जाए, आपके सुरेश आर्या जी प्रभारी दिल्ली प्रदेश, प्रभारी दिल्ली प्रदेश सुरेश आर्या जी फेसबुक पे लिखते हैं कि बहुजन मीडिया यानी सोशल मीडिया और पत्रकार जो है उन्होंने बीएसपी को खत्म कर दिया, तो तुमसे अच्छी तो फिर तुमसे अच्छी तो ये 85 लोग हैं, डूब मरना चाहिए, तुम लाखों लोगों की तादाद में काम कर रहे हो बीएसपी में, हाँ। और बहुजन मीडिया सिर्फ और सिर्फ 50 लोग काम कर रहे हैं, आपसे वो नहीं संभाली गई, आपसे उनसे कभी मीटिंग नहीं की गई, आपको उनको एक गिलास पानी नहीं पिलाया गया, बात नहीं करी गई, तो आपसे बढ़िया तो बहुजन मीडिया है ना, मर जाना चाहिए फिर डूब के आप लोगों को, सबको बिल्कुल मर जाना चाहिए डूब, कब मरोगे सर, उन मनु मीडिया कब मरोगे आप, ये जो काम नहीं कर रहा वो कब मरेगा, पलते हैं जो काम नहीं कर रहा वो कब मरेगा, टुकड़ों पर पलते हैं जो काम नहीं कर रहा वो कब मरेगा, ये बताओ उसे पार्टी से निकाल के किसी बाहर फेंकते हो आप लोग, जो काम करता है उसे लेते क्यों नहीं हो, जो युवा काम करता है उसको लेते क्यों नहीं हो, दिखा पे वो कैसा मीडिया, अगर उसे उम्मीद हो कि भाई अगर वो उन्हें अगर बहुजन मीडिया वालों को ये उम्मीद हो कि बसपा हमें कुछ पैसा देगी 1500 रुपया देगी, नहीं चाहिए तब हम दिखाएंगे, नहीं चाहिए तो बसपा नहीं, नहीं देती चाहिए। बसपा कहती बहुजन मीडिया कभी भी बहुजन मीडिया खुद बनाओ, मीडिया राजा बनो, से पैसा नहीं लेती है, मत बनो देने वाले बनो, बसपा हमेशा ये देती है, बसपा मांगती है बहन जी के जन्मदिन पे मांगती है, काशीराम साहब के जन्मदिन पे मांगती है, उनके बस पे मांगती है, आपका मेरा परिवार नहीं चल सकता तो बहुजन मीडिया कैसे चलेगी, जब आप आरोप लगा रहे हैं तो बहुजन मीडिया को कितने लाख रुपए आपने दिए, आपके पदाधिकारियों ने दिए, आपके नेताओं ने दिए या बहन जी ने दिए, तो ये लोग तुम्हें क्यों देंगे पार्टी चलाने के लिए पैसा, हमें कोई पैसा क्या, इनके बाल बच्चे नहीं है, इनका घर नहीं है, इनका तेल नहीं फूकता, इनकी मेहनत नहीं लगती, ये बेचारे एक टांग पे खड़े रहते हैं पूरा पूरा दिन तुम्हारे नेताओं के लिए, मीडिया है तो सारी बात छोड़ो, सीट कितनी ला रहे हो ये बताओ, आप सीट कितनी खा रहे हो ला रहे हो ये बताओ, सीट कितनी ला रहे हो ये बताओ, मैंने आपको बताया 0 से 10 तक हम आए थे, अब उसके आगे 1-0 और लग जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्या नाम बताया था आपने, गोविंद सिंह बहुजन समाज पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता, बड़े कार्यकर्ता हो आप जी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप 2 के आंकड़े से 3रे के आंकड़े पे आ जाएं तो जो आप कहेंगे वो करने को तैयार हूं, बहुजन मीडिया में पूरे में चैलेंज करके कह रहा हूं, दिल्ली का चैलेंज किया था निगम का, 0 आएगी 0 ही आई थी, क्योंकि हम लोग जमीनी स्तर पे आपकी रिपोर्ट निकालते हैं, रुक जाइए अभी बात मत कीजिए, आप कार्यकर्ता हैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं, आप पदाधिकारी हैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं, हम वोटर हैं, हम मैं खुद वोटर हूं, बीएसपी का सपोर्टर हूं, और हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, अब भी पसीना, सर्दी में भी पसीना आ रहा है, और मेरे टांग में फ्रैक्चर भी है, 1.5 साल हो गया बेड रेस्ट पे था, 2 महीने से चलने लगा हूं, अभी भी छड़ी के सहारे चल रहा हूं, फिर भी हम बसपा के लिए काम कर रहे हैं, और बसपा के आप जैसे पदाधिकारी, मैं आपको पर्टिकुलर आपको नहीं कह रहा, आप जैसे पदाधिकारी जो हैं वो इन लोगों को गुमराह करके 4 लोगों को बुला करके बहन जी को ये कहते थे अरे बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा सर, कुछ नहीं हो रहा, ये गलत फहमी निकाल देना, अभी आपने शायद 2 के आंकड़े पे जिस दिन 3 के आंकड़े पे आ गए जो कहोगे वो दूंगा, 5 स्टार होटल में पार्टी दूंगा सारे दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारियों को, नॉन वेज खाना, मुर्गा खाना, बकरा खाना, भैंसा खाना, ठीक है, खीर खाना, पनीर खाना, जो मर्जी खाना, दारू पीना, बियर पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना, और लोगों से भी बात कर रहा हूँ, ये चैलेंज है मेरा, अगर बीएसपी 3 के आंकड़े में आ जाए तो आप नहीं आ सकते सर, नहीं आ सकते, 4 महीने बाद ही 100, मेरी खुद की पार्टी है, मैं खुद कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग काम नहीं कर रहे, हम लोग काम कर रहे हैं, ये जितना वोट मिलता है ना, ये जितना वोट मिलता है बहुजन मीडिया की वजह से मिलता है, आपके आपके काम से नहीं मिलता, आप नहीं काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं सर, आपसे भी जानना चाहूंगा क्या बीएसपी के पदाधिकारी काम कर रहे हैं, मैं सबसे पहले तो मैं एक मिनट सुनो, मैं जो बोलना चाहता हूँ कि जितना काम बहुजन मीडिया कर रहा है ना कोई पार्टी नहीं कर रही, मैं तो बहुजन मीडिया को ना दिल से और हर तरीके से बहुत बहुत साधुवाद कहना चाहता हूँ कि ये लोग ना बेचारे अपने पैसा लगा के अपने साधन लगा के सब कुछ समाज की आवाज़ को उठा रहे हैं, और जितना जितना नुकसान समाज का बहुजन पार्टी ने किया है ना शायद किसी ने नहीं किया होगा, मैं मानता हूँ, क्योंकि अकेले चलो अकेले अकेले साथ क्या कर लेगी,
मैं मेरे दावे से कह रहा हूँ, भाई ने से कहा ना, मैं भी कहता हूँ अगर ये दो सीट से ज्यादा जीते ही ना तो हर सीट पे 50,000 रुपए दूंगा मैं। मैं अगर बीएसपी की एमपी की सीट इसके यूपी के अंदर अकेले लड़ने से अगर 2 से ज्यादा 3 आ गई ना तो हर नेता को मैं 50,000 रुपए दूंगा, अपनी पॉकेट से दूंगा मैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता। क्या नाम है सर आपका? रोशन लाल गौतम नाम है मेरा, एडवोकेट में हूँ, करकटुमा कोर्ट में रहता हूँ, मैं पश्चिम बिहार में रहता हूँ। और दूसरा बता दूं कि हर में साहब ब्लेम करती हैं हमें, उसने वोट दिया। अरे भाई जिस अगर मैं फैमिली का हेड हूँ और मेरी मेरी पार्टी कुछ नीचे जा रही है तो सबसे पहले ब्लेम मैंने अपने ऊपर लेना चाहिए कि भाई मेरे में कुछ कमियां हैं तभी तो मेरी पार्टी उभर नहीं रही। मैं दूसरे हमेशा कभी मुसलमानों को ब्लेम कर देती है, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को। अबे तुमने तो सांप पाल रखे अपने यहाँ पे, जो जिस समाज ने तुम्हें उठा के इतना बड़ा बनाया उस समाज की तो तुम बिल्कुल धज्जे तो तुमने उड़ा दी। उस समाज को तुम देखते नहीं, कुछ नहीं देखते दूसरे समाज को, भाईचारा भाईचारा। अरे भाई पहले अपने समाज को जिससे तुम आते हो उसको तो मजबूत कर लो, उसको मजबूत करने के बाद तुम दूसरी बात सोचो। हमारा समाज तो कुछ बेचारे जितना नुकसान हमारे समाज का बीएसपी कर रही ना, और किसी पार्टी ने नहीं किया पिछले 10 साल का। आज फायदा भी समाज का बीएसपी ने किया है। देखो, हम ये बात मानते हैं कि जब बहन की जब शासन था, आपकी बात बहुत जबरदस्त शासन था, बात मानता हूं। आपने सही कहा है, अगर हमारे हमारे फेडरल फैमिली ने हमारे बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया अच्छा किया, और जब वो कुछ लायक करने हो गए ना तो उनको उनको जो ना बिल्कुल घर से उनको निकाल के बाहर फेंक दिया तो सारे के जो भी क्रेडिट होता है ना वो सब जीरो हो जाता है। तो अगर आपको मेंटेन, हमें क्या है कि अपनी नॉलेज और अपना स्टेटस हमेशा मेंटेन करते रहना चाहिए। ये नहीं कि हमने एक बार मेहनत कर ली तो वो उसको हमने पास्ट में जा के उसको दोहराते रहे हम, उससे कुछ नहीं होता। आज आप क्या कर रहे हो, आज आप समाज को क्या दिशा दे रहे हो वो देखा जाता है। आज आप अकेले नीति लड़ रहे हो, जो जितनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो छोटी पार्टी अलायंस कर रहे हैं। भाई तुम्हारे अंदर वोटर क्या है, तुम्हारा जो वोटर है तुम्हारा सिर्फ अब यूपी के अंदर भी तुम्हारा 11% वोटर रह गया, और अब की बार जो रहेगा वो मेरे ख्याल 5% 6% रहेगा। अरे साहब मैं आपको बता रहा हूँ, इनके पास कहाँ है, कहाँ से आएगा, कौन देगा इनको, कौन वोट देगा इनको। वकील साहब एक सेकंड सुन लीजिएगा, आपने कह ली अपनी बात, मैं ये सारा मनु मीडिया का दुष्प्रचार है, नकारात्मक प्रचार है। अपना मीडिया क्यों नहीं बनाते हो तुम, आप में से करते हो यार। अच्छा मेरी बात सच्ची सुन लो, सच्ची बात है, 30% का वोट अभी आजम खान को, गुड्डू जमाली जी को आजमगढ़ में मिला कि नहीं मिला, बंदे को मिल गया, बाकियों का क्या करोगे तुम, सरकार कैसे 10 लोकसभा के सांसद हैं कि नहीं है, वो बिना वोट के जीत के आए थे, डेढ़ दर्जन से अधिक विधायक अभी हैं कि नहीं है, बिना वोट के आ गए थे। सदा के लिए मोदी आया है क्या, या राहुल गांधी आया है, जो आया है वो जाएगा भी। और माननीय आकाश आनंद भाई ने साफ कहा है दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये नेगेटिविटी बीएसपी के लोग फैला रहे हैं। मैं आज खुला ये बात कह रहा हूँ कि बहुजन मीडिया जो है वो बिल्कुल एक टांग पे खड़ा होकर के बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करता है और आगे भी करता रहेगा। ये पदाधिकारी कितना भी भौंकते रहे, कह रहा हूँ मैं भौंकना, ये पदाधिकारी कितना भी भौंकते रहे, कितना भी बोलते रहे और कितना भी इस बीएसपी को नुकसान पहुंचाते रहे, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के साथ है और बीएसपी के लिए काम करती रहेगी और बीएसपी को फायदा पहुंचाती रहेगी। ये बहुजन मीडिया का ही असर है कि जन जन में आवाजें पहुंच रही हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के साथ मिल रहे हैं, पर जोड़ने का काम इन पदाधिकारियों का है। अगर ये पदाधिकारी काम नहीं करेंगे तो कितना भी अच्छे सोने की चाहे हमारी पार्टी हो खराब हो जाएगी। बहन जी ने और काशीराम साहब ने जो मेहनत की थी और हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो मेहनत की थी, इन सब ने उस पे पानी फेर दिया है, चाटुकारिता इन्होंने दोबारा से शुरू कर दी है जो काशीराम साहब ने बंद की थी। चाटुकारिता बंद करो और बहुजन मीडिया को कोसना भी बंद करो। मैं दिल्ली के कुछ प्रभारी और यूपी के प्रभारी, राजस्थान के प्रभारियों को चेताना चाहता हूँ कि अगर बहुजन मीडिया ने आपकी खबरें दिखाना बंद कर दी ना, पॉजिटिव और नेगेटिव भी, तो आप बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, यूटीवी, ओके से।